लेवल पे होना चाहिए। गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। आया ना साहब? पहला फार्म पत्नी का था, दूसरा फार्म साले का था, तीसरा फार्म मामा का था, ऐसे करके 7 फार्म भरे गए और 3 महीने बाद मेरी पहली इनकम आई आरसीएम में, वो थी 242 रुपए और 2000 रुपए का खर्चा हो चुका था। गांव में लोगों ने नाम महावीर से आरसीएम रख दिया था। मैंने कहा यार अपने बस की बात नहीं है जोड़ना जाड़ना, नौकरी ठीक है वो चल रही है, 2500 की नौकरी, 7 बजे से 7 बजे काम करना है। चौथे महीने किसी को प्लान नहीं बताया, एक भी आदमी, लेकिन चौथे महीने चेक आया 744। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है। बड़े भाई को फोन किया, मैंने कहा ये बीच में समझ में नहीं आ रहा है, 3 महीने काम किया, 2000 का पेट्रोल चलाया, 100 लोगों को प्लान बताया, 93 ने मना किया, 7 को ज्वाइन कराया, चेक आया 242, चौथे महीने किसी को प्लान नहीं बताया और ये 744 आया। तो उन्होंने कहा यही तो कमाल है इस बिजनेस का, आप इसको सीखो। पहले महीने जो आपने ज्वाइनिंग करवाई थी ना, एक ही डंडे में करवा दिया, आपको नॉलेज नहीं था, आपको तो 242 आया लेकिन आपके नीचे एक व्यक्ति को 512 का गया। मैंने कहा वो कोई बात नहीं, 744 कैसे आया? तो उसने कहा जिसको 512 गया था वो बंदा कौन है चेक कर। मैंने चेक किया तो पता चला मेरा एक दोस्त था जो थाने में इंचार्ज था, थाने में सीआई होता है सर्किल ऑफिसर, ऐसा वो मेरा दोस्त था। मैंने उसका जबरदस्ती फार्म भरा था, 1500 रुपए लिए थे, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था। अब उसको जब चेक आया तो वो मुझे फोन कर रहा है, अब मैं करता हूं उसका फोन नहीं उठा रहा कि पुलिस वाला है, बताएगा तेरा डब्बा चक ले जा 1500 दे। अगले महीने में गया ही नहीं उसके पास, उस बंदे के पास कोई भी थाने में आता तो वो बोलता तेरा काम बाद में करूंगा पहले फार्म भर। चौथे महीने उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया, कितने लोगों को सर? 72। अब उसको ज्वाइन करवाना आता नहीं था, उसको जहां मौका मिला ना वही फार्म भरता गया। तो मेरा चेक आ गया 744। मैंने भाई से पूछा, भाई एक बात बता, मेरी गलती से नीचे वाले को 512 गया तो मुझे 744 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो? तो राजा राम जी ने कहा तुझे 70,000 आएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया सर, ये बिजनेस अपने लिए करोगे तो कम इनकम देगा, डाउन लाइन के लिए करोगे तो पैसे की बारिश करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया सर, 7 बजे से 7 बजे तक मैं मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे जो लोग मेरी टीम में ज्वाइन होते थे उनको पिकअप सेंटर पे बुलाता, उनको प्लान देना सिखाता। धीरे धीरे मेरी टीम में 10 लोग हो गए, फिर 20 लोग हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 100 लोग हो गए। अच्छा जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सैल बढ़ती जाएगी या कम होगी? सैल बढ़ना चालू हो गई सर, नीचे धीरे धीरे लोगों का पैसा बढ़ना चालू हो गया। 744 के बाद अगले महीने का चेक आया वो 1535 रुपए का था, उसके बाद अगले महीने का चेक आया वो 2000 का था, उसके बाद आया वो 4000 का था, उसके बाद जो आया वो 7209 रुपए का था। अब 7000 की इनकम आई तो कौन सा धंधा करें, 2500 वाली नौकरी या 7000 वाला? 7000 वाला। दूसरा मेरा मैसेज है सर आज की मीटिंग में, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम करें। कब तक? जब तक आपकी वर्तमान धंधे से आरसीएम बड़ी इनकम नहीं देने लग जाए। जब मेरे को 7000 की इनकम आई तब मैंने आरसीएम का 2500 वाला काम छोड़ के फुल टाइम 7000 वाला शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया तब मैंने किताब पढ़ी थी सर, उसका नाम था बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे ऊपर के माले में हलचल पैदा हो गई सर, ऐसी किताब मैंने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं थी सर। उस किताब में पहली बार बताया गया था कि अमीर बनना है ना तो आपको नौकरी नहीं व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार भी ऐसा करना पड़ेगा जो 2 से 4 हो, 4 से 8 हो। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे इस बिजनेस की पावर का पता चला, इस बिजनेस में किन चीजों को बदलना चाहिए, मैं उनको बदलता गया। और 7000 के बाद अगले महीने का मेरा जो चेक आया वो था 10000 का, उसके बाद अगले महीने का चेक आया वो था 11000 का, उसके बाद अगले महीने का चेक आया वो था 21000 का, उसके बाद अगले महीने का चेक आया वो था 42000 का, उसके बाद अगले महीने का चेक आया वो था 75000 का। और जब 75000 की इनकम आई तो मैं बीसीजी के पास गया, मैंने कहा सर धीरे धीरे करने में मजा नहीं आ रहा, मेरे को बड़ा पैसा चाहिए कैसे आएगा? तो बीसीजी ने बहुत ही शानदार चीज बताई थी, आप जानना चाहते हैं? yes! वो मर्दों वाला ढीले वाला है। yes! मेरे गुरु है सर बीसी छापराज जी, अक्सर एक बात बोलते हैं, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है। बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो इस बिजनेस में 4 तरह के माहौल पॉजिटिव होने चाहिए। कितने तरह के सर? 4।
चार तरह के माहौल पॉजिटिव होंगे तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। पहला माहौल आपके घर में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस बिजनेस में आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माँ बाप नेगेटिव है तो भूल जाइए, आप कभी आर्थिक रूप से आजाद होंगे। आप कितने भी बड़े प्रोग्राम खाओ सर, घर पे सब लोग बिल्ली होते हैं। हेलो, इस बिजनेस में काम करोगे, रात के 12 बजे घर जाओगे, 2 बजे घर जाओगे, वो जाते ही पूछेगी रात के 2 बजे कहां से आ रहा है। आप कहोगे बिजनेस, वो कहेगी 2 बजे कौन सा बिजनेस है। आपकी अप्लाई ने आपको फुला के गुब्बारा इतना बढ़ाती है, वो जाते ही सुई मार देगी सर, कभी भी कामयाब नहीं होंगे सर। पहला माहौल आपके घर में पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी पत्नी और आपके बच्चे और आपके माँ बाप में। दूसरा माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपकी टीम में जिसके साथ आप काम करते हो। तीसरा माहौल पॉजिटिव होना चाहिए उस शहर में जहाँ आपका बिजनेस है। और चौथा आपका माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपकी LOS में, आपके ऊपर जो लोग हैं उनके साथ कभी रिलेशन खराब नहीं करना। तो मैंने BCG से पूछा सर माहौल पॉजिटिव होगा कैसे, ये टीवी पे तो आता नहीं, अखबार में तो आता नहीं, विज्ञापन इसका होता नहीं, तो कैसे बनाऊं माहौल। तो BCG ने कहा था हर मीटिंग में सिंगल मत जाओ, मैडम के साथ जाओ। घर का माहौल पॉजिटिव करने के लिए जोड़े से बिजनेस को करना शुरू कर दो। और तब से लेकर आज तक मेरे 500 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी प्रोग्राम होता है मैं जोड़े से जाता हूँ। कंपनी द्वारा निर्धारित कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, मेरी अप्लाई जाए नहीं जाए, मेरी डाउनलाइन जाए नहीं जाए, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ सर। और आज मेरी कामयाबी में 90% रोल एक व्यक्ति का अगर मैं देखता हूँ तो वो मेरी पत्नी है, जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। अपने काम करते हैं, अपने को कोई पूछता है ना वो क्या है, तो आप उसको बोलते दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती है, महिलाओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, महिलाएं सेंसिटिव ज्यादा होती है, महिलाओं में टीम की पावर ज्यादा होती है। और जिस आदमी के बिजनेस में उसकी महिला पॉजिटिव के साथ लग गई सर, उसका फेल होना, नाकामयाब होना असंभव है सर। इस कामयाबी की यात्रा में मैं जब भी निराश होता था ना, मेरी मैडम कंधे पे आके हाथ रखती थी, सर मैं जिंदगी में कामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद करती हूँ और मुझे पता है आप में सारी क्वालिटी, आप कामयाब हो सकते हो। एक वक्त यह आपको जिंदगी की सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। तो पहला काम फैमिली के साथ करिए, जोड़े से करिए सर, पॉजिटिव हो जाइए, मम्मी पापा को मीटिंग में बिठाइए, पहला काम। दूसरा काम आपकी टीम में कैसे पॉजिटिविटी आएगी। टीम में पॉजिटिविटी के लिए हर 3 महीने बाद आप LDP प्रोग्राम करिए, लीडरशिप प्रोग्राम करिए, डिस्ट्रीब्यूटरों की ट्रेनिंग करिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में लोग आएंगे अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, हाँ या ना साहब। तो जब आप मीटिंगों करोगे तो उनमें जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो थकान है, वो दूर होती जाएगी और आपकी टीम में पॉजिटिव माहौल बनेगा। तीसरा काम है सर आपके शहर का माहौल। जब मेरा 75,000 का चेक आया ना, तो BCG ने कहा आपके शहर में एक बड़ा प्रोग्राम कर दो, धमाका हो जाएगा। तो 5-5 फीट के 50 जगह गड्ढा खोदो या 500 फीट का गड्ढा एक जगह खोदो, पानी कौन से निकलेगा, एक ही जगह का सर। 75,000 का चेक आया तो मैंने मेरी टीम के लोगों को इकट्ठा किया, सारे रॉयल्टी, सारे टेक्निकल को, मैंने कहा गंगानगर में बड़ा प्रोग्राम करना है। और उस जमाने का सबसे बड़ा प्रोग्राम था कंपनी लेवल का, जिसमें 12,000 लोग आए। कितने सर? 12,000 लोग आए। और मैं 75,000 का मेरा चेक था, अगले महीने का चेक गया 2,10,000 का सर, पर्ल से डायरेक्ट बुकिंग, कैंसिल नहीं हुई थी अनबिलीव से, 22 नए टेक्निकल निकले। एक प्रोग्राम आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। उसके बाद कभी मेरी लाखों रुपए से नीचे इनकम ही नहीं रही सर, और आपके सामने तब से लेके आज तक कभी चैलेंज ही नहीं आया। 22 साल हो गए मुझे RC बिजनेस करते हुए, बहुत पैसा मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला, साइकिल से यात्रा शुरू की थी। आज मेरा परिवार 14 गाड़ियां मेंटेन करता है सर। गाँव में कच्चा मकान था जहां से मैंने बिजनेस शुरू किया था। 2005 में गांव में 25 लाख रुपए की कोठी बनाई, आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है, जिसमें मेरा छोटा भाई और मेरे पापा रहते हैं। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, मैं प्रोडक्ट उसको पहले दिलाता हूँ। और पिछले 22 सालों में अभी मैं फाउंडर सप्लायर के लेवल पे हूँ। पिछले 1 महीने का मेरा जो RCO में पे आउट बना है वो 9,70,000 का बना है 1 महीने का। मेरा नाम